सत श्री अकाल, न्यूज रूम लाइव देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ दीपिका खोसला। तो प्रोग्राम दे विच आज चर्चा होगी वीसी उत्ते छिड़े विवाद की, क्योंकि इस विवाद दे विच जिथे मान सरकार नू विरोधी धिरां दे वल्लों घेरिया जा रहा है, उत्थे ही वाइस चांसलर दे वल्लों खुद बयान जो है वो दिता गया है। मंत्री साहब नू की कह रहे ने और मुख्यमंत्री दे लई की किया गया है वो भी तुहानू दसांगे, और इहदे नाल ही गल करांगे प्रताप बाजवा दी, क्योंकि प्रताप बाजवा ने भी एक वड्डा दावा कर दिता है। उत्थे ही गल करांगे मान सरकार दे मंत्रियों दी जो कि करोना दी चपेट विच आ चुके ने। तमाम मुद्दों उत्ते विस्थारपूर्वक चर्चा लई मेरे नाल टीवी पंजाब दे सीनियर एडिटर जसवीर हुसैन जी मौजूद ने। जसवीर जी, सब तो पहला गल वीसी दे विवाद की ही कर लें, जिस तरह अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की गल की जाए, पोस्टा भी पाई जा रही ने, खुद लाइव भी होंगे ने, मान सरकार को घेरिया भी जा रहा है, सेहत मंत्री भी मुआफ़ी मंगन लिए किया जा रहा है, तो नाल दे नाल आप भी जो उन्होंने बयान सामने आया कि साढ़े कुलीग दे वलों चलो गलती हो गई तो हाथ जोड़ के असी मुआफ़ी मंग लें, ये बयानों को किवें देखते हो? दीपिका जी, कल्ला माफ़ी तक नहीं है, कई ने तो जरा अस्तीफे तक की मांग कर ली है कि अस्तीफा ही दे देना चाहिए, कोई कहें कढ़ ही देना चाहिए, मंत्रिमंडल चो बाहर कर देना चाहिए कि जे तुहानू काम करन दा तरीका नहीं आता, जे तुसी अपने डिपार्टमेंट के कर्मचारियों नाल ठीक तरीके नाल व्यवहार नहीं करते तो फिर तुहानू नहीं रहना चाहिए। बड़िया चीज़ा ने दीपिका जी, पिछलिया सरकारों के विच की कुछ होया कि नहीं किया वह भी चीज़ा देखनिया पैणगियां। हुण जिहड़े टिप्पणियां करदे, जिहड़े दावे करदे, उन्होंने अपनी सरकार दे समय की कुछ कीता, किहड़े हालातां च गल्लां होईयां। सुनील जाखड़ कहिंदे कि इह व्यवहार तुहाडा ठीक नहीं आ, इदां नहीं करनी चाहीदी सी। सुनील जाखड़ होरां नूं पुछो कि जदों ए जी की जिहड़ी कार्ज कुशलता सीगी अतुल नंदा की, उहदे उत्ते सवाल उठने शुरू होए सीगे ते किद्दां मीटिंग दे विच आप इन्हां ने झाड़िया सी, उहनूं सारिआं दे सामणे झाड़िया सीगा, वीडियो नहीं बनी, गल वक्खरी है कि चेतन सिंह जोड़ामाजरा की वीडियो आ गई है। फिर इस तरीके नाल बाकी जे आप अकाली दल की सरकार दे विच गल कर ली, अकाली दल की सरकार दे विच भी कुछ इदा दीआं चीज़ां होईआं, धक्केशाहीआं हर सरकार जिहड़ी करदी है। तो इत्थे एतराज़ बहुते इस करके आ दीपिका जी लोगों भी कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी उह बदलाव की गल करदी है, जे पहलियां पार्टियां वांग इह भी उही काम करदे आ ते इन्हां च तां पहलियां च फर्क की होया? दूजी गल, यही गल्लां तुसीं तां कर सकदे सी जे कुछ पैसे धेले दिते हुंदे इन्हां नूं कि भाई असीं हस्पतालां नूं इन्ना रुपया वंड दिता है ग्रांटा के रूप च, गद्दे तुहाडे पुराने पै की दिता है, या तो उस हिसाब नाल जिहड़ा करन। हुण ये गल डॉक्टर राज बहादुर जिहड़े जिन्हां नूं उत्थे गंदे गद्दे दे उत्ते लटाया गया जी, उल्ली लगी हुई सी उस गद्दे नूं उहदे उत्ते लटाया गया, वह कुछ इंटरव्यूज़ दे विच ते राजा वड़िंग अज उहनूं मिलिया है, पॉलिटिक्स ही है राजा वड़िंग दी, एड्डा कोई हेज राज बहादुर दा उन्होंने जागया नहीं, उन्होंने पर उन्होंने पता है कि जे मैं उत्थे जाऊँगा तो मेरी पॉलिटिक्स भी चमकदी है। वो जाते राज बहादुर होरी रोंदे क्योंकि सीनियर सर्जन आ जी, तो अपने आप दे विच उन्हां दा भी एक कदबुत हैगा, डॉक्टर के रूप के वाइस चांसलर हैगे आ उत्थों दे, तो वो सारा कुछ होया उहदे विचों हुण कुछ नवीं चीज़ां निकल के आ रही ने दीपिका जी। जी नवीं चीज़ां की निकल के आ रही ने कि उहदे विच एक पासे तो सियासत गरमाई हुई आ, ये कहा जा रहा विरोधी धिरां वल्लों के माफ़ी मंगनी चाहिए चेतन सिंह जोड़ामाजरा नूं, दूजी एक गल ये निकल के आ रही है कि सरारी हुरी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैगे ने, उन्होंने अपनी सहयोगी मंत्री साथी मंत्री नूं ये कहता कि वह व्यवहार ठीक नहीं सीगा जी, मतलब आम आदमी पार्टी ने कबूल करना शुरू कर दिता कि ना यह गल ठीक नहीं सी, आ काम नहीं करना चाहिए सी, वह कहिंदे साडे अपने कर्मचारी है, सानूं उन्हां नूं समझाउणा चाहिए आ, उन्हां लड़ना नहीं चाहिए जी, साडा व्यवहार ठीक होना चाहिए, उन्होंने आ काम नहीं करना चाहिए सी, मतलब गल मैनू लगता है दीपिका जी माफ़ी वाल जाती पई है, तो माफ़ी वाल इतों तक जाती पई है, ये दावा आ डॉक्टर राज बहादुर का जिहड़े वाइस चांसलर है जिन्होंने अस्तीफा देता आ जी, हुण वापस लेंदे नहीं लेंदे वह गल वक्खरी है। उन्हां दा यह दावा आ एक इंटरव्यू दे विच उन्होंने कहा कि भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब का मैनू फोन आया, उन्होंने पूरे घटनाक्रम के उत्ते अफसोस जताया तो माफ़ी मंगी, मंत्री दी थां मुख्यमंत्री माफ़ी मांग रहा, यह दावा डॉक्टर राज बहादुर दा आ, भगवंत मान ने अजे किते गल नहीं की जी, कि मैं फोन करके अफसोस जताया, मंदभागा दस्या, मैं माफ़ी मंगी है, उन्हें कहा यह दावा सिर्फ डॉक्टर राज बहादुर दा आ, भगवंत मान इहदे ते स्पष्टीकरण कोई देणगे, इहनूं कलैरीफाई करनगे तां मन्निया जाएगा कि उन्होंने माफ़ी मंगी है, हो सकदा कि अपने कोलों कहता होवे शब्द कुछ होर बोले होण भगवंत मान ने कि मेरे मंत्री ने कीता गलत कीता, इदा नहीं होना चाहिए, तुसी नाराज़ ना हो, तुसी अस्तीफा ना दो,
मैं कोई गल नहीं गल करदा ते तुसीं करो, उन्हां नूं लगा होएगा कि माफ़ी है जी। यह भी हो सकता, सच्चियों माफ़ी भी मंगी हो सकती है, यह भी चीज़ हो सकती है। मैनू लगता है कि भगवंत मान होरां नूं करना पैगा, तो जे भगवंत मान ने माफ़ी मंगी है डॉक्टर राज बहादुर के कहण के मुताबिक, तो फिर चेतन सिंह जोड़ा माजरा कि पानी हारिया जी मंग लेगा, इस गल की उम्मीद जी दीपिका जी की जा रही है। पर जो भी होया मंदभागा होया, नहीं होना चाहिए सीगा, व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए है जी। वो हर बंदा चाहता है, सरकारी हस्पतालों का हाल की है वो सारे ही जानते हैं, पंजाब के लोग कि हस्पताल तो आप बीमार है, उन्होंने बीमारों का इलाज किमें करना, तो उन्होंने हस्पतालों से जाता कौन आ, प्रवासी मजदूर जाते हैं, गरीब गुरबे जाते हैं, वो जाते हैं जिन्होंने पता कि महंगे हस्पतालों के इलाज साढ़े को झले नहीं जाने जी। उदा तो भावें असी ठीक हो जाएंगे पर बिल देख के उदू दुगने बीमार हो जाना, वो बंदे सरकारी हस्पतालों से जाते हैं, तो वो फिर शिकायतें कितनियां कु कर पाते हैं, कितों तक उन्हां दी अप्रोच होंदी है, इस तमाम चीज़ा मैनूं लगदा कि ध्यान देण वालियां, मुहल्ला क्लीनिक तो खुल जाएंगे काम करन लग पैणगे। मान साहब नूं चाहिए कि ये सरकारी हस्पतालों की व्यवस्था भी सच्चियों दुरुस्त करन दी लोड़ है। छापेमारियां चेतन सिंह जोड़ा माजरा जी मारदे रहो, बहुत चंगा काम है, मेहनत का काम है, तुसीं जिथे भी जाते हो जे छापा मारदे हो जे उत्थे चैकिंग करदे हो जाके, घट्टो घट्ट स्टाफ अलर्ट रहिंदा कि किसे वेले भी सेहत मंत्री इत्थे आ सकदा, इस करके दुरुस्त होनियां चाहीदियां चीज़ां। पर व्यवहार दे विच जे थोड़ी जी दुरुस्तगी रखोगे, नरमी रखोगे, तो वह चीज़ा जड़ियाँ वह बेहतर हो जाएगियां। हाँ, जिहड़ा दो चार वारी गेड़े मारन के बावजूद भी हस्पताल का स्टाफ नहीं सुधरदा, फिर तुसीं दावा करन जोगे हो जाने। देखो जी, मैं पहला भी प्यार ना समझाया, दो बारी प्यार ना समझाया, मैं तीजी बारी प्यार ना नहीं समझा सकता, हुण मैनू कार्रवाई सख्त करनी पैनी आ जी। फिर तुहाडे वल होणगे लोग, तुहाडे खिलाफ कोई नहीं खड़ेगा दीपिका जी। जी बिल्कुल, और उत्थे राज बहादुर ने नाल दे नाल जसवीर जी ये भी कहा कि हस्पताल दे विच 1100 मैट्रिक ने और उहदे विच सारे खराब नहीं है, और शायद मंत्री हुणां दे बिहेवियर तो इस तरह लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ खराब ही मैट्रिक्स देखने से। मैं ना दीपिका जी एक किसी की स्वै जीवनी पढ़ता सी, तो उस स्वै जीवनी दे विच सीगा कि एक चैरिटी स्कूल च बाद च बड़ा वड्डा राइटर बनया, उहने चैरिटी स्कूल दे विच दाखला लैना सीगा, तो फीस नहीं सी भरन लई उहदे कोलों। हुण जदों चैरिटी स्कूल दे विच गया तो उत्थे अध्यापक ने कहा तैनूं भर्ती कर लांगे, सफाई कर लेंगा। वह कहिंदा ठीक है, कहिंदे तूं सफाई करी असीं तैनूं पढ़ा दांगे। उन्हें एक क्लासरूम दे दिता जांदा ते क्लासरूम दा कहा जांदा इहनूं पूरे नूं पूरे साफ कर दे, वह साफ करदा बच्चा सारा उहनूं साफ करदा, ते जदों अध्यापक आण के चैक करदा उहनूं कि सफाई दुरुस्त होई जां नहीं होई, वह उन्हां कोनियां ते हथ धरता धरदा आ जिथे उहनूं पता है कि साडी सफाई कर्मचारी भी सफाई नहीं करके जांदी, ते इहने बच्चे ने कित्थों कीती होणी आ, उहनां चीज़ां नूं टोके देखदा, क्योंकि पता हुंदा सानूं कित्थे खामी रहि सकदी है जी, किहड़ियां चीज़ां हो सकदियां ने, तो वो चैक करता, उन्होंने लगता कि हाँ भी इस बच्चे ने वो कोने भी नहीं छड़े जिथे अक्सर सफाई कर्मी भी सफाई करन तो गुरेज करते जां छड़ जांदे इग्नोर कर जांदे, उन्होंने एडमिशन मिल गई उस स्कूल दे विच। ते चेतन सिंह जोड़ा माजरा होरी या उन्होंने नाल दी टीम भी जानती है कि कित्थे जाके चीज़ देखनी आ, खामी मिलनी कित्थे आ, कित्थे नहीं पता हस्पतालां च खामी कित्थे होनी आ जी, नहीं पता सानू की हो सकता है। बाथरूमां वल कित्थे सरकारी हस्पतालां च जाके देखो, हस्पताल नालों वध मरीज नालों वध हस्पताल बीमार हुंदा, ते हस्पताल नालों वध बाथरूम बीमार हुंदे आ जी, तुसीं वड़ नहीं सकदे उत्थे, जिहड़ा कोई सेंसिटिव मरीज हुंदा ना वो जांदा नहीं आ उत्थे, वो कहिंदा मैं दब घुट के बह जाना, दवाई लै लवां, दवाई लैके मैं घरे जाऊंगा, मैं इत्थे नहीं जाना, मैं बीमारी लैके जाऊंगा इत्थों, पता है कि कित्थे कित्थे किहड़ियां चीज़ां। हाँ, मैनूं लगदा कि वो चीज़ां जिहड़ियां ने ठीक आ, कदों का ऑर्डर आया, हुण उन्होंने ये भी तो कहा ही है ना कि एक पेन भी खरीदना हुंदा तो 9-9 महीने सानू इंतजार करना पैंदा, सानू कोटेशन पाउणी पैंदी आ, भेजना पैंदा डिपार्टमेंट नूं, उत्तों यैस हुंदी आ, फिर थल्ले आउंदा आ, फिर सानू ग्रांट अलाउट हुंदी आ, फिर असीं वो चीज़ां खरीदते हाँ जी। तो या तो चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने अजे चार दिन पहला क्या होवे, मैं तो तुहानूं इन्ने लख रुपया दित्ते सीगे कि मैटर सारे बदल दो, क्यों नहीं बदले, तुसीं कित्थे खर्चे आ पैसे, फिर तो दब के मारन का भी हक बनता सीगा। मैनूं लगता कि ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गया जी, थोड़ा जा संभल के किया जाता, कार्रवाई दुरुस्त है, कार्रवाई होनी चाहिए है, क्योंकि कई बारी हस्पतालों के प्रबंधक भी ढिल करके ना हालात बिगाड़ते हैं, उन्होंने लगता इतने कड़ा कोई पूछण वाला आ, इतने कड़ा कोई बड़ा बंदा आता है, गरीब गुरबे आते उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई शिकायत तो करता नहीं, फिर उस तरीके चलते दीपिका जी, सिस्टम बहुत व्डे पद्धर से सुधारन वाला।
पर जे इदां दे इख्तलाफ पैदा कर लोगे ना डिपार्टमेंट्स दे विच, जिदा शीतल अंगुराल ने इत्थे डीसी दफ्तर च इख्तलाफ पैदा कर ले सीगे, इधर चेतन सिंह जौड़ा माजरा सेहत विभाग दे विच इख्तलाफ पैदा कर लैंदे, किसी होर डिपार्टमेंट दे विच कोई होर पैदा कर लेगा, तो इहदे नाल काम नहीं हो पाएगा, विवाद वधणगे। जी बिल्कुल, तो ऐसे मुद्दे उत्ते चर्चा अगे भी जारी रखांगे। फिलहाल समा हो गया एक ब्रेक दा, मिलदे आं ब्रेक तो बाद। ब्रेक तो बाद स्वागत है। तो जसवीर जी, राज बहादुर उन्होंने तो अपना अस्तीफा दे दिता, हूँ अस्तीफा एक्सैप्ट करना है नहीं करना है वो तो सरकार उत्ते निर्भर करता है, पर जो बयान सामने आ रहा है कि काम करने वाला माहौल नहीं मिल रहा, मेरे ख्याल ना ये कोई पहला बयान नहीं है, अस्तीफे होर विभागों के भी अधिकारियों के वलों किसी ना किसी कारण करके दिता ही गया है। निजी कारण जरूर कहे जाते हैं पर माहौल काम करने वाला है नहीं। अंदर खाते कुछ अजिहियां चर्चावां भी निकल के आदि ने। दो तीन कारण ने, एक वड्डा कारण, सब तो वड्डा कारण, असी उम्मीद रखते हैं ये ईमानदारी नाल काम कर रही होएगी सरकार, बदलवें सिस्टम दे विच काम कर रही होएगी, काम करवाउण लई काम कर रही होएगी, तो अदारियां दे विच बहुतियां दे हड्डां च पानी पै गया, चंगा काम करन वाले बैठे सारे अधिकारी नहीं पर कईयां दे हड्डां च पानी पै गया, वह काम ना पहलां करदे सी, हुण उहनां दे काम पिया तो करना नहीं चाहते, उन्होंने लगता है कि हुण तां भाई औखा आ बह के नहीं सरना, तो होवे ना जां VSR लै लीए, VRS लै लीए, जां डेपुटेशन ते किते निकल जांदे आ, या फिर अस्तीफा दे देने जी, वो सारे डिपार्टमेंट्स दे विच ए हो गया। आ हुण डॉक्टर राज बहादुर होरां ने अस्तीफा दिता, नाल ही अमृतसर दे मैडिकल कॉलेज दे प्रिंसीपल ने ते सुपरिटेंडेंट ने अस्तीफा देता, नाल ही उन्हां नूं मैडिकल ते डेंटल एसोसीएशन दा समर्थन मिल जांदा इन्हां नूं कि असीं वी नाल आ तुहाडे। इधरले पासे डीसी ऑफिस दे विच हंगामा हुंदा आ, डीसी ऑफिस दे हंगामे ते IAS अफसरां दा समर्थन मिल जांदा इन्हां नूं, ये हड़ताल ते जाण दा ऐलान कर दिंदे, शीतल अंगुराज नूं माफ़ी मंगनी पैंदी है जी। बहुत सारे बंदे डेपुटेशन दी अर्जियां दे चुके, DGP ने की कीता है, VK भावरा होरां ने वो डेपुटेशन ते जाण दीआं तैयारियां, अनिरुद्ध तिवाड़ी जिहड़ा जिन्हां नूं CS दे अहुदे तों हटाया वो डेपुटेशन ते जाण दी तैयारी दे विच, कई होर अधिकारी डेपुटेशन ते जाण दी तैयारी दे विच। दो कारण आ, एक तां सरकार सख्ती कर रही है, काम लैना चाहती है ते काम ये करना नहीं चाहते, एक कारण यह हो सकता है दीपिका जी, दूजा कारण यह हो सकता है सच्चियों ही कितने ना कितने एक कलैश, एक गैप है सरकार दे दरमियान ते अधिकारियों दे दरमियान जी, डिपार्टमेंट्स दे दरमियान, जिहड़ा नहीं होना चाहिए, खप्पा है। दूजा कारण यह है जिहदा करके आ सारा कुछ होया। तीजा कारण यह है कि शक्ति का स्रोत एक नहीं है, सानू ऑफिस पता है कि साडा बॉस किहड़ा है, साडी किते नहीं वाह चलती है ना, तो असी किनू जाके मिलना, या सानू डिपार्टमेंट जे बंडे हुए आ अपने के एडिटिंग टेबल का कुछ होर हैड होएगा, स्क्रिप्टिंग टेबल का कोई होर होएगा, एंकर लई कोई होर होएगा, जे वड्डा मसला आ जाता तो वो किसी वो फिक्स होंदियां चीज़ां कि उधर उधर जाना, जो उत्थे नहीं निजिठदा तां उहदे उपर जानी आ, इत्थे तीन तो शक्ति दे स्रोत हैगे आ, तुहानूं जवाब अरविंद केजरीवाल नूं देने पैणे आ, राघव चड्ढा नूं देने पैणे आ, या भगवंत मान नूं देने पैणे आ, पता ही नहीं। राघव चड्ढा अपने तरीके नाल काम करदे, भगवंत मान अपने तरीके नाल काम करदे, ते अरविंद केजरीवाल अपने तरीके नाल काम करदे आ। हुण अफसरां नूं लगदा आ कि यार चुने हुए विधायक जे दिल्ली जाके बुके दे के आउंदे केजरीवाल नूं, ते उत्थे कह के आउंदे जी साडे हलके दे विकास बारे सोचो जी, मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं कातों बनाया, ताकत तां इहदे कोल आ, उन्नी ताकत केजरीवाल तो नहीं जिनी ताकत भगवंत मान को, केजरीवाल अद्धे सूबे का मालिक आ, भगवंत मान पूरे सूबे का मालिक आ जी, ग्रांट इधरों मिलनी भगवान केजरीवाल तो थोड़ी मिलनी है। वो अफसर के इस समय शशोपांच की स्थिति है, अफसर एक ताकत भालदा, अनिरुद्ध तिवाड़ी जिहड़ा आ वो इस गलों खफा मनिया जाता है कि उन्होंने वार वार 50 नंबर कोठी च सद्या जाता सीगा, ते वो एक दो बार कह भी चुका सीगा भगवंत मान नूं कि भाई मैं तुहानूं जवाब दे आ, मैं तुहाडे नाल आ, मुख्यमंत्री नाल हुंना, मैं किसी होर नाल नहीं हुंना, CS दा मतलब मुख्यमंत्री नूं जवाब दे होना, किसी होर नूं जवाब दे होना नहीं हुंदा, सो वो अपने तरीके नाल गल करदे, ते हुण वो CS भी बदलिया गया जी। सो तीन चार कारण हैगे दीपिका जी जिहदा करके एक कलैश पैदा हो रहा, तो मैनूं लगदा कि आम आदमी पार्टी नूं भी इस सब नूं खत्म करन दी लोड़ आ, तो जे वो पहल के आधार पर खत्म करेगी तो फिर विभागों के भी चीज़ होएगी कि आखिरी ताकत इतने खड़ी है, तो सानू इधर मिलना पैना, तो उस मुताबक चलना पैना, जिधरले पासे ऑर्डर होया होएगा
गल उत्थे टिकनी आ, नहीं तो फिर काम औखा हो जाता। हुण खबर तो यह भी है कि एडवोकेट जनरल ने भी अस्तीफा इन्हां कारणां करके दिता कि लॉ ऑफिसर भर्ती करने से। राघव चड्ढा ने अपनी चिट्ठी देती, कहिंदे जी आ भर्ती करो, तुहाडे वाले पता नहीं कदों होणे आ। उह कहिंदे मैं मुख्यमंत्री तों पुछ के करदा। इस गल ते किते इख्तलाफ पैदा होया, हुण आह चीज़ां भी निकल के आउंदियां। मैनूं लगदा कि सरकार नूं भी अपने उत्ते थोड़ा जिहा झात मारन की लोड़ है। डिपार्टमेंट्स दे विच खामियां हैगियां ने। तुसीं दीपिका जी 50-50 भी ना मन्नो, मैं कहना 80% खामियां डिपार्टमेंट्स दे विच हैगियां, 20% सरकार च मानदे आ। 80% ओह वालियां खामियां नूं दूर करन लई पहलां 20% अपणियां खामियां सरकार नूं खत्म करनियां पैणगियां, फिर 80% दे उत्ते हावी हो पाएगी सरकार जी। बिल्कुल, और बार बार जो सवाल हुंदा आम आदमी पार्टी नूं के सुपर सीएम दी गल कीती जांदी है, अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा दी पंजाब सरकार दे विच जो इंटरफेरेंस है उसनों लैके कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। एक निजी चैनल दे विच इंटरव्यू भी राघव चड्ढा दे वल्लों दित्ती गई, उन्होंने खास तौर पर स्पष्टीकरण दिता कि सुपर सीएम वाली कोई गल नहीं है। एक दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल सफल सरकार चला रहे ने और कन्वीनर ने, और जे उन्होंने जो साइन किए ने और कि एक दूसरे के सुझाव से दो सूबे ले सकीए तो वो कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल कोई शक नहीं है। फिर मैं लगता कि एक इदा नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट केरला ना कर लेना चाहिए। एग्रीकल्चर के मामले के सब्जियां के मंडीकरण के मामले जिदा का फैसला केरल की सरकार ने लिया, उदा का फैसला किसी सरकार ने लिया। ये दिल्ली मॉडल की गल कर देना, एक मॉडल केरला का भी है, प्रशंसा बहुत हुई सी। फिर उहदे नाल क्यों नहीं नॉलेज शेयरिंग कर दे, तुसीं बाकी ना करो, सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की नॉलेज शेयरिंग कर लो। की सारा कुछ दिल्ली दे विच ही है, फिर बाकी सूबे नाल क्यों नहीं कर रहे जी। जिथे जिथे जिहड़ी जिहड़ी चीज़ चंगी है, मध्य प्रदेश की कणक साडी कणक नालों इस वेले क्वालिटी के मामले च बेहतर गिनी जा रही है। क्यों बेहतर आ, एक नॉलेज शेयरिंग उहदे नाल कर लो कणक के मामले के, सब्जियां के मामले च केरला नाल कर लो, एजुकेशन के मामले च केरला नंबर एक आ। जिहड़ी चीज़ जिथे बेहतर है फिर उहदे मुताबक करो नॉलेज शेयरिंग। सारा कुछ केजरीवाल नूं पता है, फिर उत्थे कातों हो रहा नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट। जे तुहानूं लगता कि तुसीं पंजाब लई बेहतर करना जी, फिर बहुत सारिया चीज़ां इदां जिथे जिथे जिहड़ी जिहड़ी खासियत हैगी आ तुसीं उस मुताबक वह चीज़ां कर सकते हो, नंबर एक। नंबर दो, सफाई देंदे कहिंदे सुपर सीएम कोई नहीं आ। कि स्टेट दे विधायक MLA जे उस पार्टी की सरकार किसी दूजी स्टेट दे विच मिलन लई जांदे आ जी, उत्थे जाके कहिंदे आ कि सानू साडे हलके का विकास करना चाहिए, उहदे नाल जाके चर्चा करके आउंदे आ। जदों इत्थे पंजाब च कांग्रेस की सरकार सी दीपिका जी, कि पंजाब दे कांग्रेस दे विधायक राजस्थान जांदे सी अशोक गहलोत दे कोल के साडा विकास करो जी आण के, या अशोक गहलोत दे राजस्थान की सरकार दे कांग्रेस दे इत्थे आउंदे सी विधायक कि साडा विकास करो जी, नहीं आउंदे सीगे, नहीं हुंदा इदां। सो मैनूं लगदा कि बहुत सारियां चीज़ां हुंदियां ने, ये जस्टिफिकेशन तुसीं उदां हवा च जिन्नी मर्जी दे लो। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ख्याल अच्छा है। लोगों को पता है कि असल दे विच सुपर सीएम का कंसैप्ट की आम आदमी पार्टी दे विच, भगवंत मान दे पैरलल कि ताकत इस वेले काम करती पई है पंजाब च बैठी जी, आई कितों आ, काम किवें करती है, उहदी मंजूरी तो बिना क्यों नहीं कोई काम हुंदा, सब पता है। राघव चड्ढा जी पंजाब दे लोक रोटी नूं चोची नहीं कहिंदे, जानदे आ सारा कुछ। आ माड़ा जिहा भगवंत मान लटके सी बारी चों जी, संगरूर दे विच नाल ही सबूत देता लोगों ने, वह वक्री गल है कि हुण संगरूर वाले लोग भी मत्थे ते हथ मारदे पए आ, पता नहीं मारदे आ जां नहीं मारदे, पर इन्ना जरूर है पिछले दिनों के जिहड़े बयान से सिमरनजीत सिंह मान दे उन्हां दा करके जरूर उन्हां नूं लगा कि कितें गलती तो नहीं कर ली, ए सोचदे पए उह जी। सो वो चीज़ां जिहड़ियां ने लोगों नूं पता है कि कौन किवें की करदा। हाँ, तुसीं उहनूं साबित करो जिहड़ियां चीज़ां हैगियां। फिर सिक्योरिटी का मुद्दा उठा दीपिका जी जी, सिक्योरिटी के मुद्दे से राघव चड्ढा ही कहें ना कि इदा की कोई गल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं दी, तो झूठे डॉक्यूमेंट दिखा रहा ओपी सोनी, केस क्यों नहीं करते, वे करो केस मानहानि का भी साड़ी सरकार नू बदनाम करते पे, असी तो कोई सिक्योरिटी दी नहीं है। अदालत च घड़ीसो, स्मृति ईरानी के बारे गल हुई, वह चल गई ना अदालत के, कहता ना अदालत ने कि अपने ट्वीट हटा दो कांग्रेस के लीडर को, जिहड़े उहदी बेटी के बारे ट्वीट किए हटा दो तुसीं अपने ट्विटर तो फौरी तौर पर, तो अगले समन भेजते मानहानि के केस के, हुण यही काम एक का तो नहीं करते, क्यों नहीं केस करते ओपी सोनी ते कि तू झूठे डाकूमेंट दिखाना पाया साड़ी बदनामी होंदी है, नहीं करनगे, क्योंकि हकीकत की है ना। ये पंजाब के लोगों को भी पता, राघव चड्ढा होरां नूं भी पता,
जी बिल्कुल, तो तमाम मुद्दे उत्ते चर्चा अगे भी जारी रखांगे। फिलहाल समा हो गया एक ब्रेक दा, मिलते हैं ब्रेक तो बाद। ब्रेक तो बाद स्वागत है। तजस्वीर जी, इधर आम आदमी पार्टी दे मंत्री भी करोना पॉजिटिव पाए गए ने। सरकार हौली हौली करोना की चपेट च आ रही है जी। एक करोना की चपेट च आ रही है, एक करोना की चपेट च आ रही है जी। कि आ कम करो ना, चेतन माजरा जी, जोड़े माजरा जी, आ कम करो ना, एक इहदी चपेट च आ रही है, एक करोना की चपेट च आ रही है जी। हुण तक देखो स्पीकर साहब कुलतार सिंह संधवा ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਫੈਕਟਡ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਜਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਆ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 526 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ? 2600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ 2900 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਆ, ਕਈ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਹਿਤਿਆਤਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ। ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਇੰਝ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਝ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਗਿਆਪਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵੈਸੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਪਤ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 144,38,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲੇਗੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਤਦ ਤੱਕ ਆ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕਿ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਲ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਟਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਲੈਕਟ,
आ रहे हैं तो फिर मैं खुलासा करांगा कि दिल्ली वाला काम इत्थे भी होया, कुछ लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए यह सारी चीज़ की गई। इन्हां दी यह पॉलिसी ठीक नहीं है। पंजाब दे विच भी इन्हां दी नवीं लिकर पॉलिसी की CBI जांच होनी चाहिए है। जी बिल्कुल। तो तमाम मुद्दों उत्ते विस्तारपूर्वक चर्चा लई बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर। शुक्रिया दीपिका जी। न्यूज़ रूम लाइव देख रहे दर्शकों का भी धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा जानकारी लई देखते रहो TV पंजाब।